साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम कांच की स्लेब की सहायता से प्रकाश के अपवर्तन की घटना के बारे में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे कि अपवर्तन क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, मतलब रास्ते से भटक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आगे बात करते हैं कि प्रकाश के माध्यम क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, विरल माध्यम और संघन माध्यम। पहले हम ये बात करेंगे कि प्रकाश के माध्यम क्या है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी स्थान से होकर गुजरती है तो वो उस किरण के लिए माध्यम हो गया, जैसे विरल माध्यम और संघन माध्यम। पहले हम बात करते हैं विरल माध्यम की। ऐसा माध्यम जिनमें कण दूर दूर होते हैं, या वो स्थान जिसमें गैसीय अवस्था के कण होते हैं जिसमें आसानी से प्रकाश की किरण गुजर जाती है, उसे विरल माध्यम कहते हैं, जैसे वायु या पर्यावरण। दूसरा है संघन माध्यम। प्रकाश की किरणों के गुजरने का वो स्थान जिसकी अवस्था द्रव या ठोस हो सकती है, जैसे ठोस की बात करें तो कांच, द्रव की बात करें तो जल, तेल आदि। इनके कण पास पास होते हैं। इनमें प्रकाश की किरणें विरल माध्यम की अपेक्षा गुजरने में थोड़ी कठिनाई होती है, देरी से गुजरती है, मतलब इसका वेग इसमें कम होता है। अब हम बिंदु पर चलते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, कैसे होता है। इसमें यदि हम देखें तो दो प्रकार के बिंदु होते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में लंबवत रूप से प्रवेश करती है, मतलब सीधी रेखा में ही प्रवेश करती है, तो उस किरण में कोई किसी प्रकार का अपवर्तन नहीं होता है, मतलब वो अपने रास्ते से नहीं भटकती। यदि वो लंबवत प्रवेश करती है तो, जैसे ये देखो वोल्फिन लगा रखी हमने आई और जे, विरल माध्यम से वो संघन माध्यम में प्रवेश करती है और इसके लंबवत प्रवेश करती है। जब ये इसको हमने आगे देखा तो बिंदु बनाए और पिन लगाई, फिर हमने रेखा खींची तो ये बिल्कुल सीधी रेखा में। तो हम कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है तो कोई किसी प्रकार का इसमें विचलन नहीं होता है। इसको मैं आपको दिखाकर बता सकता हूँ, ये देखो बिल्कुल सीधी रेखा बन रही है। दो नंबर बात, यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम मतलब विरल माध्यम से संघन माध्यम में पार्श्व मतलब साइड से प्रवेश करती है, कुछ कोण बनाते हुए प्रवेश करती हैं, 45 का, 50, अलग अलग प्रकार का, तो उस किरण में विचलन होता है, वो अपने रास्ते से भटक जाती हैं। जैसे हमने एक लंबवत खींचा है और एक हमने यहाँ पर कुछ कोण पर किरण बनाई है जिसके हमने निर्देशांक रखे हैं ई और सी, दो आर पिन, कांच की स्लेब रखी। दूसरी ओर से जब इनको हम देखते हैं सीधी रेखा में चार बिंदु बनाते हैं और फिर इसको हमें संघन माध्यम को हटाते हैं तो पाते हैं कि जब ये प्रकाश की किरण पहले इस रेखा में आई, संघन माध्यम में प्रवेश करने पर ये रास्ते से भटक गई, मतलब मुड़ चुकी है, और पुनः जब विरल माध्यम में गई तो वो अभिलंब से वापस दूर हो रही है। तो कहने का मतलब है कि जब
प्रकाश की किरणें संगन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने रास्ते से भटक जाती है। वो तभी भटकेगी जब वो पार्श्वे साइड से प्रवेश करती। तो इससे वीडियो में हमने ये सीखा है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसके रास्ते से वो विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन वो तभी रास्ते से विचलित होती है जब प्रकाश की किरणें उसके पार्श्व से प्रवेश करती है, न कि लंबवत। लंबवत होने वाली सीधी निकलती है, उसमें कोई विचलन नहीं होता है, जबकि पार्श्व में प्रवेश करने पर वो अपने रास्ते से भटक जाती है। इसी गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। धन्यवाद।